ठीक है, तो यह हमारा ये जो है C3 का हाइड्रोजन निकाला, C2 का निकाला, तो ये बेंजाइल। तो अभी यहाँ एक चौथा देखेंगे स्टूडेंट, तो हमने अल्केन से हाइड्रोजन निकाला, अल्किल बना, अल्किन से हाइड्रोजन निकाला, इसके अंदर दो तीन बातें क्या रे, विनाइल है, अलाइल है, ओके, मतलब डायरेक्टली आप sp2 वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो विनाइल, और sp2 कार्बन यदि sp3 कार्बन को कनेक्ट है और sp3 कार्बन वाला हाइड्रोजन निकाल रहे तो अलाइल हो जाएगा। उसमें भी दो टाइप है, एक तो आपका क्या रे बेंजीन बेंजाइल सिस्टम है या एलिपेटिक है, तो बेंजाइल सिस्टम अलग है, इसका है, इसका नाम अलाइल है, इसका नाम क्या है, बट यह भी हम sp3 वाला निकाल रहे हैं, यह भी sp3 वाला निकाल रहे हैं, बट दिस sp3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एलिपेटिक एंड दिस sp3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एरोमेटिक। समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, डिफरेंस सिमिलरिटी इसको आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएंगे। तो अभी इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट डालो, फिफ्थ क्या रे स्टूडेंट, अल्काइन, अल्काइन, तो अल्काइन के अंदर आप लिख सकते हैं क्या रे, ओपन चेन क्या, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सीएन एच टू सीएन एच टू एन माइनस टू इज कॉल्ड एज क्या, आप इसको ओलिफिन भी बोल सकते हैं, ओलिफिन मतलब अनसैचुरेशन, ओके। तो यह अल्काइन के अंदर एन की वैल्यू कितनी लेनी है, एन इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं आप, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहां कुछ अल्किन देखते हैं स्टूडेंट, चलो तो अभी एक अल्किन लेते हैं CH, CH, इसको क्या बोलते हैं आप, एसिटिलिन, क्या बोलते हैं, एसिटिलिन, तो मतलब क्या करना है, मतलब आपका मान के चलते कि कोई एक अल्केन है, कोई एक क्या है अल्केन है, तो ट्रिपल बॉन्ड आया तो एनी को निकालना है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एनी को निकालना है, और उसके बदले में क्या डालना है, वाइनी, तो क्या बनेगा आपका, अरे क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा, ओके। तो यहां एक एग्जाम्पल देता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आपका एक प्रोपाइन है, क्या है, प्रोपाइन है, तो तीन कार्बन का कंपाउंड है, एक अल्काइन। अभी इसके अंदर एक सिक्स पॉइंट आएगा, क्या रे, अल्काइनाइल ग्रुप, किसकी बात करेंगे हम, अल्कैनाइल ग्रुप, अल्कैनाइल ग्रुप, ओके। तो यहां हम अल्कैनाइल ग्रुप की बात करते, फिर अल्कैनाइल ग्रुप, ओके, देखो तो फिर अल्कैनाइल ग्रुप कैसे बनेगा रेशन, अल्कैनाइल ग्रुप, तो अल्काइन से एक हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है, तो आपका क्या बनेगा, देखो आपका जो ई है ना, ये ई कम हो जाएगा, और उसके बदले में क्या आएगा रे, वायल, तो यहां हम क्या बोलेंगे रे, उसके बदले में क्या डालना है आपको, वायल, तो क्या हो जाएगा, अल काय, ई रिमूव किया है और क्या लगा है, वायल, तो यहां आप देख सकते हैं YN YL, समझ में आ रहा है, तो ये अल्कनाइल नहीं रहेगा, अल्कनाइल क्या रहेगा रे, ग्रुप रहेगा ही। तो यह एक एग्जांपल देखते हैं हम, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो यह आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका नाम क्या है रे, अरे इसका नाम क्या है, इथाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथा
नाइल लिखो, इथेनाइल। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो CH3CH, ओके चलो इसमें से हाइड्रोजन निकालो, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, तो क्या हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, का E निकालना है, Y L लगाना है, समझ में आया आपको। तो यहां हमारा 6 पॉइंट कवर हो गए, कौन से 6, अल्केन, अल्केन माइनस हाइड्रोजन, दो हुए अल्किन, अल्किन माइनस हाइड्रोजन, और उसके बाद अल्काइन, अल्काइन माइनस हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन रिमूव करना है, समझ में आ रहा है। तो अभी यहां हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी देखो ये पूरा समझ में आया आपको, पूरा समझ में आया, ओके चलो। तो यह एक मैं कंपाउंड देता हूं आपको, तो थोड़ा समझ में आएगा, एक डिफरेंशिएट करना है फंक्शनल ग्रुप एंड रेसिड्यू, ओके नाम डालो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड क्या रे रेसिड्यू, अभी इसके पहले हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में कई बात नहीं की थी, अरे फंक्शनल ग्रुप खाली कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड था, डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, ओके अभी यहां हम बात करेंगे क्या रेक, कि एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और आपका क्या रेक रेसिड्यू है, तो यहां एक स्ट्रक्चर CH3CH2CH2COOH, तो ये जो कंपाउंड है एक कार्बोक्जिलिक एसिड का कंपाउंड है, अरे एक कार्बोक्जिलिक एसिड का कंपाउंड है क्या नहीं, तो ये जो एस्ट्रन, ये कार्बोक्जिलिक एसिड जो कंपाउंड है ये इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो इसको बोलना है क्या रे फंक्शनल ग्रुप, और ये जो भी कार्बन का पार्ट बचा है, ये जो भी कार्बन का पार्ट बचा है इसको आपको क्या बोलना है रे रेसिड्यू बोलना है, इसको क्या बोलना है रेसिड्यू बोलना है। तो अभी आपका ये पूरा कंपाउंड जो है शोन, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन से, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा रेसिड्यू है, रेसिड्यू कौन सा है, यहां देखिए तीन कार्बन का बचा हुआ आपका रेसिड्यू है, अभी कार्बन 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 सब यहां कनेक्ट है, तो नॉमिक्लेचर के अंदर नंबरिंग के टाइम हम देखेंगे, पहले तो हम ये समझना है यह फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, अदर देन फंक्शनल ग्रुप जो भी बचता है उसको क्या बोलेंगे हम रेसिड्यू। तो अभी हम चार्ट बनाएंगे एक और उस चार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ओके चलो नेक्स्ट सनीफ सर बंद।